प्रकृति ने मानव जीवन को एक अद्भुत रचना दी है, जिसकी शुरुआत अत्यंत रहस्यमयी होती है। कहा जाता है कि जब एक शिशु माँ के गर्भ में जन्म लेता है, तो कुछ हफ्ते तक, कम से कम 6 हफ्तों तक, वह ना पुरुष होता है ना ही स्त्री। उसमें प्रवृत्ति तो होती है, परंतु शरीर अभी भी मध्य में होता है। फिर 6 हफ्तों के बाद शरीर या तो पुरुष या महिला बन जाता है। यदि शिशु स्त्री होती है, तो सेक्स ऊर्जा का सकारात्मक ध्रुव स्तनों के निकट होता है, क्योंकि स्त्री की योनि नकारात्मक ध्रुव होती है। और यदि पुरुष होता है, तो सेक्स केंद्र यानी लिंग सकारात्मक ध्रुव होता है और स्तन नकारात्मक ध्रुव। इसलिए पुरुष मन महिला स्तनों की ओर इतना आकर्षित होता है, वह सकारात्मक विद्युत होते हैं। ये अंतर इतना गहरा है कि पुरुषों में महिला स्तनों के प्रति आकर्षण सृजनात्मक प्रेरणा के रूप में भी देखा जाता है, जिसका प्रतिबिंब हमें कला और साहित्य में मिलता है। स्त्री का पूर्णतः संतुष्ट होना अधिक सहज होता है। स्त्री जब माँ बन जाती है, वो उसके लिए एक नए जन्म के समान है, और इससे बड़ा सृजन कोई नहीं हो सकता। वो जीवन को ला सके, जीवन का सृजन कर सके, और यही पुरुष की प्रेरणा का कारण बनता है कि वो भी कुछ ऐसा सृजन कर सके जो स्त्री कर सकती है। इसी कारण से स्त्री अन्य प्रकार की रचनात्मकता में इतनी रुचि नहीं रखती। पुरुष एक रचनाकार होता है, स्त्री रचनाकार नहीं होती। उन्होंने महान कविताएं नहीं लिखी है, बड़ी किताबें नहीं लिखी, महान धर्मों की सृष्टि नहीं की है। वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन पुरुष लगातार रचनात्मकता में लीन रहता है। वह स्त्री की तरह माँ बनना चाहता है, वह जीवन का सृजन करना चाहता है, इसलिए वह कविताएं रचता है, किताबें लिखता है, अनेक चीजें बनाता है। वह अनेक चीजों का जन्मदाता बनता है, जो उसे माँ होने का भाव देता है। पुरुष और स्त्री को एक दूसरे को अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता है। यदि हम अपने विपरीत ध्रुव को स्वीकार कर सके, तो एक गहरी शांति हमारे अस्तित्व में आरम्भ होती है। फिर हम देख सकते हैं कि हम जिस पुरुष और स्त्री को बाहर खोज रहे हैं, वो दरअसल हमारे भीतर ही है। वास्तविक एकता तब है जब ये पुरुष और महिला हमारे भीतर मिलते हैं और हमारी ऊर्जाएं खिलकर वह बन जाती हैं जो उन्हें होना चाहिए। इस एकता का अनुभव करना हमें एक नई समझ और शांति प्रदान करता है। ये हमें बताता है कि सच्ची समृद्धि और पूर्णता बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। इस गहराई से समझ और स्वीकृति के माध्यम से हम एक अधिक समर्पित और प्रेमपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। प्रणाम।